सच में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया सोना पीतल में बदल गया है? क्या गर्भगृह में सोने की परत लगाने के नाम पर 125 अरब रुपए का घोटाला किया गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है एक शख्स जो कि चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी हैं, दावा कर रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना पीतल हो चुका है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि मंदिर में 125 अरब रुपए का घोटाला हुआ है। केदारनाथ जी के गर्भगृह में चंद महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 125 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है? कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? कौन इसके दायित्व का? जजमान की भावनाओं के साथ 125 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है। आज जब जो सोना 125 अरब रुपए का जो बता रहे थे, वो सोना आज जो है पीतल में बदल गया है। इस मामले पर राजनीति भी तब शुरू हो गई जब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके यही सवाल उठा डाला। वहीं दूसरी ओर वीडियो को लेकर केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। BKTC की ओर से जारी खंडन पत्र में कहा गया है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों और ज्वेलरी को स्वर्ण जड़ित करवाए जाने का काम पिछले साल एक दानी दाता के सहयोग से किया गया। वर्तमान में कतिपय व्यक्तियों द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है जिसमें सोने की लागत 1,15,00,000 रुपए बताई गई। ये बिना तथ्यों के भ्रामक जानकारी प्रसारित कर जनमानस की भावनाएं आहत करने की कोशिश है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया और इससे पूर्व वर्ष 2005 में इन्हीं दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह को भी स्वर्णमंडित कराया था और इन्हीं ज्वेलर्स के माध्यम से उन्होंने ये कार्य संपादित कराया था। दानी महानुभाव की जो निश्चल और निस्वार्थ भावना थी, पावन भावना थी कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराने की और इसके एवज में उनके द्वारा मंदिर समिति से किसी प्रकार का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सबके बावजूद कुछ लोगों द्वारा दानी महानुभाव की मनसा पर सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मंदिर समिति का दावा है कि मंदिर में करीब 15 करोड़ का 23 किलो से थोड़ा ज्यादा सोना और 29 लाख का 1000 किलो के आसपास कॉपर प्लेट लगी है। जानकार कहते हैं कि दो धातुओं की मिक्सिंग में जब तांबे की मात्रा ज्यादा हो तब कुछ समय बाद कालापन दिखना स्वाभाविक है। फिलहाल मंदिर प्रबंधन की ओर से सफाई दी गई है और कहा गया है कि इन भ्रामक खबरों का पूरी तरह से हम खंडन करते हैं।